वर्तमान में कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अस्पतालों में कोरोना की जांच के लिए पहली बार लंबी लंबी कतारें देखी जाने लगी हैं। कोरोना के इस महाविकराल काल में एक समस्या लोगों को हैरान करने लगी है कि दो चार दिनों के बाद कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव से पॉजिटिव आखिर कैसे हो रही है। लोग अस्पताल की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं तो लोग कोरोना का सैंपल लेने वालों को दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना इंसान को ही नहीं बल्कि अब टेस्टिंग किट को ही उल्लू बनाने लगा है। दरअसल देश का मशहूर अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों में कोरोना ने अपने कई रूप बदले हैं, जिसके चलते अब टेस्टिंग किट भी धोखा खाने लगी है, जिसके चलते देश में प्रत्येक 5 में से एक की रिपोर्ट झूठी आ रही है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को ये तक पता नहीं चल पा रहा है कि उनको कोरोना है भी या नहीं। नए साल में कोरोना अब लोगों के साथ साथ टेस्टिंग किट को भी धोखा देने लगा है। कोरोना अब टेस्ट की पकड़ से बाहर हो चुका है, ये एक चिंता का विषय है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पैदा हो रही है कि जब कोई अपना कोरोना टेस्ट कराता है तो रिपोर्ट अगर झूठी आए यानी नेगेटिव आए तो वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगता है, जिसके चलते वह लोगों से संपर्क करने लगता है, जिससे दूसरे भी संक्रमित होने लगे हैं। और यही कारण है कि देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे। इतना ही नहीं, अमेरिका की लियोनिस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि कोरोना के बदलते रूप के चलते कोरोना टेस्ट की पकड़ से बाहर हो सकता है। कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है ये भारत में साबित हो गया है। देश में कोरोना के मामले विस्फोटक तरीके से आना और कोरोना से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ना कोरोना की दूसरी लहर ही है। कोरोना इंसान के शरीर में अपना ठिकाना बदलने लगा है। आशंका जताई जाने लगी है कि कोरोना वायरस ने अब हमले की जगह बदल ली है। ऐसे में अब इंसानों को सावधानी बरतना ही इस समस्या का समाधान है।